उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे बच्चों, सब ठीक ठाक होंगे। सही, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, बुलंद ख्वानी हुई थी, हम लोग ने मुताला किया था कोलाची की शिकारी नंबर एक। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम समी। अच्छा, तो आज हम जो पढ़ेंगे जो कोलाची की शिकारी नंबर एक का जो है वो दोबारा से मुताला करेंगे, बुलंद खानी, जिस जैसे आयशा जैनब ये लोग रह गए थे रीडिंग के लिए, अहमद अफजल, तो आज उसके मुताला करेंगे और आपको समझाएंगे भी हाथ क्या था। सही। अच्छा बच्चों, आज आप लोग को हम इमला का पैराग्राफ भी टिक करवा देंगे कोलाची की शिकारी का, और अल्फाज मैंने भी टिक करवा देंगे आप लोगों को। सही, ठीक है। पहले इमला के अल्फाज, इमला का पैराग्राफ और आप लोगों को अल्फाज मैंने टिक करवा देते हैं। ठीक है, सही। अपनी दर्सी किताब खोलें सब बच्चों, दर्सी किताब खोलिए बेटा, ये है ना दर्सी किताब। हाँ जी, ठीक है, अभी माइक को म्यूट कर लीजिए। अच्छा बच्चों, जरा हम देखें हमारे पास की स्क्रीनशॉट है या नहीं है। हाँ ये रहा। अब ये देखिए, ये वाला इसका लास्ट पैराग्राफ देखिए, पेज नंबर 25, सफा नंबर 25, लास्ट पैराग्राफ देखिए इसका। ये कहानी सिंध के मशहूर शायर शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने, यह है इमला का पैराग्राफ, यह है आपका इमला का पैराग्राफ। ये कहानी सिंध के मशहूर शायर शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने अपने कलाम में सरगातों के नाम से हमेशा के लिए महफूज कर दी है। इनका कलाम आज भी पढ़ा और गाया जाता है। कराची में मारीपुर की तरफ जाते हुए गुलबाई चौक पर हमें चंद खबरों पर बनी हुई एक यादगार नजर आती है। कहा जाता है ये खबरें इन्हीं सात भाइयों की हैं जो कराची शहर के बानी थे। ये आपका इमला का पैराग्राफ हो गया। ठीक है, सही। हाँ, तक कहाँ से कहाँ तक ये कहानी सिंध के मशहूर शायर से पूरा पढ़ा है हमने आप लोगों को, आवाज नहीं आ रही थी क्या आप लोगों को? हाँ, ये कहानी से लेके बानी थे तक पूरा पैराग्राफ। ठीक है, अब इमला के अल्फाज, अल्फाज मायनों को खोली जरा। मैंने अल्फाज मायने भी लिख लिए और वो भी लिख लिए। सारे अल्फाज मैंने नहीं करने थे क्योंकि बहुत सारे हैं, आप लोगों को लर्निंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम आप लोगों को चंद करवा रहे हैं। जो आपने सारे कर लिए हैं, जो मिस कह रही हैं उसको टिक कर लीजिए, वही आप लोग शामिल होंगे निसाब में। और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा कोलाची की शिकारी। पेज नंबर 90, अब जो मिस बोलती जा रही है उसको टिक करती जाइए, अल्फाज उसी के मायने तो बताएं आप लोगों। नंबर एक है, हाँ नंबर एक है तंदुरुस्त, नंबर दो है कोलाची की शिकारी नंबर एक, पेज नंबर 90। ठीक है, नंबर एक तंदुरुस्त, मुतशिम समझ में आ रहे बेटा, नंबर दो सुखचैन, नंबर तीन माहीगीर, नंबर
नंबर चार मछेरे, कुलाची की शिकारी नंबर एक में से कौन कौन से हैं, हम आपको रिपीट कर रहे हैं, तंदुरुस्त, सुखचैन, माहीगीर और मछेरे। ठीक है, आइए। हाँ आप कोलाची की शिकायत नंबर दो पे आइए। बेटा जिनका माइक खुला हुआ है ना, काइंडली माइक म्यूट कर लीजिए। पेज नंबर 91, कोलाची की शिकायत नंबर दो। नंबर एक है आदमखोर, ये होगा नंबर पांचवा, आदमखोर। नंबर नंबर एक मिनट बेटा, हम बताते हैं, पहले आप टिक कीजिए फिर रह जाएंगे। सही है, हम आपको सब बताते हैं डिटेल में। नंबर छठा है हलाक, दरसी किताब हंस में पेज नंबर 1991 खोलें, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। कुलाची की शिकायत नंबर एक और नंबर दो अल्फाज मैंने मिस आपको टिक करवा रही हैं, और उससे पहले इमला का पैराग्राफ टिक करवा चुकी हूँ मिस। नहीं, आराम आराम से बच्चे आएंगे, 15-15, 20-20 मिनट बाद तो हो गया काम पढ़ाई का। नंबर एक तंदुरुस्त, सुखचैन, माहीगीर, मछीरे, कलाची की शिकायत नंबर दो में से देखिए अब 91 पेज, आदमखोर, हलाक। आइए यहाँ पे नीचे उसके जबड़े, नेक्स्ट पैराग्राफ कौन सा है? जबड़े, उसके बाद जबड़ों के नीचे लिखे हैं धार। एक मिनट बेटा, पहले इमला के अल्फाज अल्फाज में टिक कर लीजिए पहले। धार, और नंबर लास्ट है खीना, काफ दो चश्मी है ये नून अलिफ। अब बच्चों सुन लीजिए, जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है ये सुनिए। कुलाची के शिकारी का आप लोगों को टाइटल बॉक्स बनाने को कहा था हमने, उसमें आपको लिखना था इमला का पैराग्राफ, अल्फाज मायने, सवाल जवाब, मजमून नवेसी, जुमले, ये हमारा मंसूबा थी। अभी हमने आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये है इमला का पैराग्राफ, टिक करवाया है सफर नंबर 25 पे। ठीक है, कौन सा है पैराग्राफ यहाँ पे देख लीजिए, सब टिक कर लीजिए जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है। दर्सी किताब हंस, पेज नंबर सफा नंबर है 25 है। मिस, क्या आप मुझे एक दफा फिर से अल्फाज मायने टिक करवा सकती हैं? सबको करवाने, पहले इमला का पैराग्राफ टिक कर लीजिए, सफा नंबर 25, इमला का पैराग्राफ टिक कर लें सब। लास्ट पैराग्राफ ही नजर आ रहा होगा आपको, ये कहानी सिंध के मशहूर शायर शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने, यहां से लेके आखिर तक आएगा कराची शहर के बानी थे, यहां तक टिक कर लीजिए सब बच्चों। ये हाँ, ये है आपका इमला का पैराग्राफ, और मराए मेहरबानी क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करें। ठीक है, मुझे बताइए फिर से। अच्छा, ये कहानी सिंध के मशहूर शायर यहां से लेके, अब यहाँ दोबारा आप एंटर हो रहे हैं, फिर आपको दोबारा से बताएं मिस, इसी में टाइम चला जाता है। ये कहानी सिंध के मशहूर शायर यहाँ से लेके जो कराची शहर के बानी थे, यहाँ तक पूरा क्या हो गया, ये आपका इमला का पैराग्राफ हो गया। मिस कहाँ से लिखा तक मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। क्यों क्यों लेट ज्वाइन किए बेटा आप सब जो आ रहे हैं, बराए मेहरबानी 20 मिनट्स होने वाले हैं, आप लोग इस तरह काम रह जाता है बेटा, आगे नहीं बढ़ पाती मैं, जो पहले बच्चे ज्वाइन किए हुए होते हैं फिर वो रह जाते हैं। पेज नंबर 25 निकालें, सफा नंबर 25, इमला का पैराग्राफ टिक करें बच्चों। ये कहानी सिंध के मशहूर शायर यहाँ से लेके लास्ट तक बानी थे, कराची शहर के बानी थे, ये इमला का पैराग्राफ हो गया।
अब अल्फाज मैंने वो टिक कीजिए बच्चों। पेज नंबर 90। अली कर लिया, अभियान कर लिया, इमला का पैराग्राफ टिक। यस। हाँ अब आइए इमला अल्फाज मायने पेज नंबर 90, सफा नंबर 90। नंबर एक है तंदुरुस्त, नंबर दो है सुख चैन, नंबर तीन है माहीगीर, नंबर चार है मछेरे। पेज नंबर 91 पे आइए, कुलाची की शिकायत नंबर दो। नंबर पांच है आदमखोर, नंबर छह है हलाक, नंबर सात है जबड़े, नंबर आठ है धार, नंबर नौ है खीना, जिससे किश्ती नहीं चलाते हम लोग, उसको चप्पू जिसे कहते हैं। ठीक है, अंडरलाइन हो गया सबने, कर लिया अंडरलाइन, टिक कर लिए। अच्छा अब बच्चों जरा पेज नंबर खोलिए, हाँ कराची की शिकारी नंबर एक। मैं आपको जरा उसको समझा दें ये क्या है। आप सब इसे तवज्जो दीजिए और जो रह गए हैं वो रीडिंग स्टार्ट करेंगे अभी। चलिए जैनब आप स्टार्ट कीजिए रीडिंग। बहुत जमाने की बात है जब कराची को कुलाची कहा जाता था। समंदर के किनारे कुलाची एक छोटा सा गांव था। यहाँ मछीरों की एक कौम कुलाच रहती थी। इसके नाम पर इस बस्ती का नाम कुलाची पड़ा था। इन्हीं दिनों की बात है, माहीगीरों के एक घराने में सात भाई रहते थे। छह बड़े भाई बहुत खूब तंदुरुस्त थे, मगर इनका सबसे छोटा भाई दुबला पतला और कमजोर था। बड़े भाई सोचते थे ये कमजोर है, समुंदर में दिन भर तूफानी हवाओं के थपेड़े ना सह सकेगा, इसलिए वो घर पे ही रहता था। जबकि इसके बड़े भाई पुपड़ते ही अपने जाल लेकर समंदर का रुख करते और दिन भर तूफानी लहरों में मछलियों का शिकार करते बहुत दूर निकल जाते। दूसरे मछीरे इतनी दूर जाने से घबराते थे। शाम तक इन छह भाइयों की जाल मछलियों से भर जाते। वो इन्हें बाजार में फरोख करके घर की जरूरत की मछलियां लेकर लौटते। इनकी वापस लौटने पर सातों भाई और इनकी बीवी बच्चे आंख पर मछलियां भूनते और अपनी मनपसंद ग़िज़ा यानी उबले हुए चावलों के साथ खाते। इस तरह इस मेहनत कुश खानदान की जिंदगी सुख चैन से बसर हो रही थी। ओके ज़ैनब, एक एक्सीलेंट बेटा। अच्छा बच्चों देखिए, यहाँ पे जो आपको बताया गया है, कराची का पुराना नाम कुलाची था। आपको पता है ये साहिली इलाका है हमारा, समंदर के किनारे ये शहर आबाद है ना, बहरे अरब अरेबियन सी। तो जो इस किनारे पे मछेरे रहा करते थे ज्यादातर, मछेरे मछली पकड़ने वाले को मछेरे कहा जाता है। और ये सिंधी जबान का लफ्ज है कोलाच, कोलाची। ठीक है, वहाँ एक कौम रहा करती थी, उसको कहते थे कोलाच। अच्छा इसी बस्ती के नाम पे आगे जाकर, इसी बस्ती के नाम पे था कोलाची, इसी बस्ती के रहने वालों पे वो उस जगह का नाम क्या था, कोलाची। लेकिन कोलाची से कराची कैसे बना, ये ऐसा हुआ कि जब यहाँ से दूसरे मुल्क के लोग, जैसे सी पोर्ट था ना समंदर के जरिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दरामद होने लगी, तो जो चंद लोग आते जाते थे बाहर से आ रहे हैं, तो वो कोलाची, जैसे मुश्किल वर्ड, हम लोग उर्दू पढ़ रहे हैं लेकिन बाज होते हैं उर्दू नहीं जानते हैं, तो वो तलफ़ में बदलते बदलते कोलाची करते करते क्या बन गया, कराची बन गया। ठीक है, सही। तो इसीलिए अब उसको कराची कहा जाता है। वैसे कराची का पुराना नाम क्या था, कोलाची।
ठीक है, वो एक वहां एक मछेरों की, मछेरों किसे कहते हैं, मछलियां पकड़ने वाले, वहां एक कौम रहती थी, उसका नाम क्या था, कोलाच, कलाच, ठीक है, उसी पे उसका नाम, बस्ती का नाम क्या था, कोलाची था, और वहां की मछलियां मछेरे बहुत मशहूर थे, मतलब कि माहीगीर, माहीगीर किसे कहते हैं, मछलियां पकड़ने वालों का एक ग्रुप, ठीक है। तो माहीगीरों के घराने में 7 भाई रहते थे, अब 7 भाई थे, उसमें से 6 भाई क्या थे, बहुत तंदुरुस्त थे, और छोटा भाई क्या था, बहुत दुबला पतला कमजोर था, और वो घर भी रहता था छोटा भाई, क्यों, बड़े भाई जो 6 जो तंदुरुस्त थे वो सोचते थे ये बहुत कमजोर है, अगर हम इसको मछलियां पकड़ने लेकर जाएंगे तो समंदर में तूफानी हवाएं भी आती हैं, तो ये उस तूफानी हवाओं का सामना नहीं कर पाएगा, ऐसा ना हो कि ये डूब के मर जाए, तो उस डर से ये उसको नहीं लेकर जाते थे छोटे भाई को, कि दुबला पतला है कमजोर है, वो घर पे ही रहता था। अब 6 भाई क्या करते थे, जैसे ही यहाँ लिखा हुआ है, इसके बड़े भाई पुपटते, पुपटते मतलब क्या होता है, जो सूरज की पहली किरण जो निकल जाती है, बिल्कुल सुबह साधक जिसे हम कहते हैं, इस सूरज की पहली किरण पूरे सुबह होना होने वाली जो होती है, वो होते ही वो लोग अपनी सुबह ही सुबह जाल लेकर समंदर का रुख कर लेते थे, क्योंकि मछलियां उसी वक्त अपनी सारी जो है, जो है ह्यूमन, जैसे लिविंग थिंग्स हैं, जानदार चीजें हैं, वो सुबह सुबह अपने आप को बेदार करती है ना, अपने आप को एक्टिव करती हैं, इसी मकसद से वो लोग सुबह सुबह जाते थे कि मछलियाँ वहां पे अच्छी खासे शिकार मिल जाएगा उनको, तो समंदर को रुख करते और फिर तूफानी लहरों में मछलियों का शिकार करते, बहुत दूर निकल जाते, ठीक है। दूसरे मछली दूर तक जाने से घबराते थे, मतलब कि वो 6 भाई जो थे बहुत ताकतवर भी थे और बहुत निडर भी थे, निडर मतलब कि डरपोक नहीं थे, इतनी तूफानी हवाएं लहरें ज्यादा होती थी, क्योंकि सी था ना वो, समंदर था, बहरिया अरब, पैरा अरब का जो पानी किनारा लगता है, तो वो, लेकिन और मछली डरते थे, घबराते थे, लेकिन ये 6 भाई नहीं घबराते थे, ये 6 भाई नहीं घबराते थे, और दूर दूर लहरों में वहां दूर तक चले जाते थे और शिकार करते थे अपनी मछलियों का, ठीक है। और क्या, अब जब तक शाम तक इनके पास अच्छी खासी मछलियां जमा हो जाती, उसको बाजार में फरोख करते और घर की जरूरत के सामान लेते हुए, और अपनी जो घर की मछलियां खाने के लिए लेते हुए वो घर लौटते। जब वो घर लौटते तो सातों भाई मिलके और उनकी सारी फैमिली, बीवी बच्चे मिलके अपने मन पसंद खाना खाते थे। मन पसंद का गजा क्या थी इनकी, ये पूछ सकते हैं आपसे हम क्वेश्चन एग्जाम्स में, उनकी मन पसंद गजा क्या थी, उबले हुए चावलों के साथ उबले हुए चावलों के साथ मछली खाना। तो इसी तरह वो क्या करते थे, मेहनत करते थे और सुख चैन से, मतलब कि सुकून से उनकी जिंदगी गुजर रही थी, ठीक है, सही। चलें ऑरेलिया, अब आप रीड कीजिए सफा नंबर 20। एक दिन कोलाची के ये मछेरे, मोतीशम आप क्या पूछ रहे हैं, ये वाकया है, ये सही सच्चा वाकया है, सही वाकया है, ये किसने लिखा है, ये अभी आपको पैराग्राफ हमने पिक करवाया ना, शाह अब्दुल लतीफ भटाई कौन है, सिंध के मशहूर सूफी शायर, उनके उनके कलाम में ये इसका जिक्र है, शाह अब्दुल लतीफ भटाई। चलें ओरेलिया है यहाँ पे, ओरेलिया रीडिंग स्टार्ट कीजिए, जो रह गए थे ना बच्चे, आयशा भी रह रही हैं, पहले ओरिलिया कर लें उसके बाद आयशा। पेज नंबर है सफा नंबर 20, लास्ट लाइन। अच्छा आयशा आप स्टार्ट करें, उसके बाद ओरिलिया स्टार्ट करेंगी, सफा नंबर 20 लास्ट लाइन। एक दिन कोलाची के ये मछेरे, अब वाकया शुरू हो गया हमारा। एक दिन कोलाची के ये मछेरे हर रोज की तरह सुबह सवेरे मछलियां पकड़ने घर से गए निकले। सूरज डूबने पर लौट कर नहीं आए। घर में सबसे छोटा भाई और घर में की औरतें हमेशा की तरह इनका इंतजार कर रही थीं। सिंधी जबान में शिकारी को घाटू कहते हैं। एक मिनट आयशा, देखिए बेटा ये जुमला भी सब देख लिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए सिंधी जबान में शिकारी को डैश कहते हैं तो क्या कहते हैं, घाटू। आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ गौर से सुनिए, क्योंकि खाली जगह आती है ना पेपर्स में भी या टेस्ट में भी, आपसे टेस्ट लिया जाए तो ये पूछ सकती है मैं आपसे, सिंधी जबान में शिकारी को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, घाटू, सही, ठीक है। जो मेन में चीजें हैं उसका अंडरलाइन कर लिया करें आप लोग, चलें स्टार्ट। जब बहुत रात हो गई और घाटू घर न आए तो घर वालों की परेशानी बढ़ गई। वो अपनी सादा सी
झोंपड़ी से झोंपड़ी से बाहर निकल आए। ये खबर आन की आन में सारे गांव में फैल गई कि 6 शिकारी भाई आज समंदर से नहीं लौटे। मछेरों की छोटी सी बस्ती में सभी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक थे, इसलिए सभी गांव वालों की रात परेशानी में गुजरी। ओके, सुबह वेरी गुड होते ही आयशा, एक्सीलेंट। आप देखिए, आप क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, उसी रोजाना की तरह उनके जो 6 भाई थे, 7 भाइयों में 6 भाई, वो शिकार के लिए गए, मछलियों की मछली पकड़ने गए। अब रात मछली पकड़ने गए, सुबह होती, अब सूरज डूबने पर वो लोग लौट आते थे काम वाम से फारिग होके, जब सूरज रात होने वाली होती थी। अब मतलब कि रात हो गई और वो उनके उसके 6 भाई नहीं आए, वो 6 भाई वापस नहीं लौटे घर। घर में सबसे छोटा भाई और घर की औरतें हमेशा की तरह इनका इंतजार कर रही थी कि वो लोग आएंगे तो हम लोग खाना खाएंगे, साथ मिलके बैठेंगे। सिंधी जबान में आपको बताया कि वो घातू को, शिकारी को घातू कहते हैं। जब बहुत रात हो गई और घातू घर ना आए तो घर वालों की परेशानी बढ़ गई। सही बात है, जो इंसान इंतजार कर रहा होता है कि टाइम टाइम होता है कि इस टाइम आ जाते हैं, अगर नहीं आया तो परेशानी शुरू हो जाती है। अब वो लोग अपनी सादा सी झोपड़ी, वो झोपड़ी पे रहते थे, कहाँ रहा करते थे, वो सादा सी झोपड़ी में रहा करते थे। ये लाइन भी आप जरा याद रखिएगा। अब ये वो नहीं आए, अब सब परेशान हो गए। ये खबर आन की आन मतलब फौरन, मतलब कि फौरन पूरे गांव में फैल गई कि 6 शिकारी भाई वो शिकार करने गए थे, बड़े वो तो ताकतवर थे, बहुत निडर थे, वो अभी तक नहीं लौटे। ये मच्छरों की छोटी सी बस्ती थी ना, तो एक एक परेशानी होती थी दूसरे परेशान होता था, हमेशा सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहते थे ये लोग। मतलब कि कोई गम हो, कोई खुशी हो, कुछ भी हो, आपस में ये लोग बांटते थे, इसलिए पूरे गांव वाले परेशान हो गए। उनकी तो ये परेशानी रात भर परेशान रहे और इनकी रात पूरी परेशानी में गुजरी कि वो 6 भाई क्यों लौट कर नहीं आए। सही, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? सही। आप चलें और लिए आप पढ़िए आगे। सुबह होते ही छोटा भाई, और इलिया आई थिंक है नहीं, मैं पढ़ लूँ? हाँ बेटा वेट कीजिएगा, जो बेटा कल रह गए थे ना बच्चे, उनको हम जरा मौका दे दें, अगर जो नहीं मिस हो रही है आप ऑरेलिया है। तो। ऑरेलिया आर यू हेयर बेटा? ऑरेलिया फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर कैमरा एंड स्टार्ट रीडिंग, वी आर वेटिंग, हमारी क्लास खत्म होने वाली है जल्दी। ओके, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके अहमद अफजल, जल्दी से पढ़िए बेटा। अहमद अफजल। सुबह होते ही छोटा भाई अपने भाइयों की खैर खबर लेने समंदर के किनारे पहुंचा। शाबाश। बेटा आप लोग बिल्कुल एक्टिव रहा करें कि मिस कहीं भी किसी से भी मुताला करवा सकती हैं। अब क्लास खत्म हो गई हमारी, कल हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। छोटा भाई, अच्छा चलें। अपने भाइयों की खैर खबर लेने, अपने भाइयों की खैर खबर लेने समंदर के किनारे चले गया, किनारे पहुंचा पहुंचा। टीचर बहुत छोटा लिखा हुआ, बोलो ना टीचर, बहुत छोटा लिखा हुआ। मछेरे अपनी किश्तियां समंदर में मछेरे उतारे, अपनी कश्तियां समंदर में उतारने के लिए तैयार खड़े थे, तैयार खड़े थे। शाबाश अहमद। आप बेटा, आपके पास आपकी दर्सी किताब नहीं है अभी? अच्छा चलें, कोई मसला नहीं है। अच्छा हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया अहमद, कल आपसे मिस शुरू करेंगी, तो बराए मेहरबानी बेटा एक्टिव रहिएगा। ओके ठीक है। अच्छा बच्चों, आप लोगों को क्या काम है आज, इमला का पैराग्राफ, अल्फाज, मायने, और मैं आपको सवाल जवाब भेज देंगी इसके, आप लोग उसके मुकम्मल कर लीजिएगा ठीक है, टाइप करके भेज देंगी ये कराची के शिकारी के,
और फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला आप लोगों को टेस्ट है गजल, बच्चों का गालिब और गजल का, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट है नेक्स्ट वीक इसी दिन मंगल को, सही है। चलें, यस उज़ैफा, यस पूछिए बेटा, हमारी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। मिस मैं क्या आपको कल सुना सकता हूँ? ये